कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी और खेमा बदलने वाले नेताओं पर तंज कसकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। डोटासरा ने पार्टी और खेमा बदलने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, इंसान की कीमत अपनी जगह पर रहने से होती है। मिनट मिनट में पार्टी और पाला बदलने वालों को जनता स्वीकार नहीं करती। जो जनता के बीच रहे, उनके काम करे, उनके सुख दुख में खड़ा रहे, जनता उसे आशीर्वाद देती है। डोटासरा ने राजधानी में कहा, इंसान की कीमत ठीडे रिया हुआ। इसका मतलब है इंसान की कीमत अपनी जगह पर रहने, स्टैंड पर कायम रहने से ही होती है। डोटासरा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा विरोधी खेमे की तरफ माना जा रहा है। डोटासरा ने कल खंडेला में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी वाली सभा में राजस्थानी में भाषण देते हुए खेमा बदलने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। गहलोत की मौजूदगी वाली सभा में इस तरह के बयान का सीधा मतलब विरोधियों पर निशाना माना जा रहा है। डोटासरा ने इस बयान को ट्वीट भी किया। डोटासरा का ये बयान ऐसे समय आया जब कांग्रेस के भीतर खींचतान की चर्चाएं तेज हो रही है। सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को कांग्रेस संगठन महासचिव से लेकर बड़े नेता तक इनकार करते हुए अफवाह बता चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस से बागी होकर खंडेला से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले महादेव सिंह खंडेला की जमकर तारीफ की। डोटासरा ने खंडेला के स्टैंड की तारीफ करते हुए कहा कि वे जगह पर रहे, इसलिए इलाके का विकास हो रहा है। वे लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। दूसरी तरफ वे खेमा और पार्टी बदलने वालों पर तंज कस रहे थे। डोटासरा का निशाना सुभाष महरिया की तरफ भी था। सुभाष महरिया हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। महरिया को बीजेपी डोटासरा के सामने विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बना सकती है। महरिया पहले बीजेपी में थे, 2015 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गए थे। इसके बाद हाल ही उनकी बीजेपी में वापसी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं के पार्टी बदलने की चर्चाएं चल रही है। इलाकेवार ऐसे कई नेता हैं जिनके पाला बदलने की चर्चाएं चलती रहती है। ऐसे में डोटासरा की पार्टी और पाला बदलने वालों पर तंज कसकर पार्टी में नए सिरे से चर्चाएं छेड़ दी है। सत्ताधारी पार्टी में नेता और मंत्री साथ बैठे और मतभेद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में जयपुर के माइनॉरिटी हॉस्टल की जमीन का जिक्र करते ही राजधानी वाले मंत्री बरस पड़े। मारवाड़ से आने वाले महकमे के मंत्री ने जयपुर में माइनॉरिटी हॉस्टल की जमीन की दिक्कत का जिक्र किया।